हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर एक लॉकडाउन का माहौल है। सिंध के अंदर आज लॉकडाउन का चौथा दिन है और कराची से लेके सिंध के पूरे शहर जो है वो हमें बंद नज़र आते हैं। पूरी एक्टिविटी जो है जो सोशल एंड एज वेल एज आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी नज़र आती है वो पूरे तरीके से बंद है। ख़ास तौर पे ऐसे शहर ऐसे इलाके जहाँ पे अर्बन माहौल ज़्यादा है वहाँ पे आपको तकरीबन सारी चीज़ें बंद नज़र आएंगी। सोशल डिस्टेंसेस जो है वो कितने कम हो सके हैं, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट को कितना अमली तौर पे अपनी ज़िंदगियों में अडॉप्ट किया है, ये बात अपनी जगह है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जहन में रखना पड़ेगा, लेकिन आज के दिन हम ये कोशिश करेंगे कि ये देखें कि ये लोग जब अपने घरों में बैठे हुए हैं तो बहुत सारे लोग अपर क्लास के, मिडिल क्लास के, मुख्तलिफ तबकों के लोग हैं, लेकिन इस सारे लॉकडाउंस में जो बड़े पैमाने पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो हुई है, लोग घरों में बैठे हैं, उनके घरों का निज़ाम कैसे चल रहा है, लोग जो हैं वो किस तरह खाना खा रहे हैं, उनके राशन की सूरत हाल किस तरह है, ये सारा मामला जो है वो हुकूमतों को देखना है। और ये पूरी सप्लाई जो है राशन की ये प्रोवाइड करनी होती है हुकूमतों को, ये उनकी इस वक्त जो बेसिक जो ज़िम्मेदारियां हैं उसमें शामिल है। ये पूरा मामला हुकूमत इस्लामाबाद में या प्रोविंसेस में जो हुकूमतें हैं वो कैसे टैकल कर रही हैं, हम बात करेंगे कैसर बंगाली साहब से। कैसर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ज़रा ये पता चले कि इस सारी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, इससे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स लेने के लिए जो वफाकी हुकूमत के जो स्टेप्स हैं उन पे आपका क्या रद्द अमल है, आपको आपको क्या लगता है कि आर दे इन लाइन विथ जो हमें रिक्वायरमेंट है, या बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीज़ें भी चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपका पहले व्यू जानना चाहूँगा। पहली बात ये कि अगर वफाकी हुकूमत ने कुछ इकदाम लिए हैं तो वो सराहना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से कोई पॉलिसी एक्शन का फुकदान रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी है लेकिन उसमें तफसील की ज़रूरत है। मतलब उन्होंने जो कारोबार की इदारे जो है उनको एक पैकेज दिया है इस नीयत से कि वो अपने मजदूरों को निकालें, नहीं तनख्वाह देते रहेंगे, तो ये कैसे यकीनी बनाएंगे कि वो ऐसा ही कर रहे हैं। दूसरा, 1.5 अरब रुपए जो है वो जो रोज़ाना हजरत कमाते हैं उनके लिए रखा है, तो ये इस पूरे लोगों को कैसे, उसकी शराब कैसे होगी और उनको किस तरह जो है दिया जाएगा, ये अभी इसकी तफसील हुकूमत को बतानी है। इसके अलावा जब एक मुसीबत पड़ जाती है तो और आपका निज़ाम ना हो तो आपके हाथ कटे हुए होते हैं। हम 70 साल से फलाही रियासत की बात करते हैं, लेकिन फलाही रियासत के लिए जो इंतज़ाम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो हमने बनाया ही नहीं। हमें पता ही नहीं है कि गरीब कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कौन है। तो इस वक्त जो कर सकते हैं वो ये है कि जहाँ जहाँ कम आमदनी वाले लोग रहते हैं वहाँ पर ये जो दस्तरखान का एक हमारे यहाँ सिलसिला कुछ एनजीओज ने शुरू किया था पहले, उसको बढ़ाए, हुकूमत फंड करें इन इदारों को कि वो अगर उनके पास अगर 2-4 ऐसे जगहें हैं जहाँ ये दस्तरखान लगाते हैं तो 30-40 लगाएं। ये इस वक्त यही किया जा सकता फौरी तौर पर। अच्छा सर, लोग घर में बैठे हैं, काम पे नहीं जा सकते, घर में खाने को नहीं है, क्या कर सकते।
हाँ, लेकिन दस्तरखानों का जो इशू है, मतलब आप हमारी जो मिसाल, लेट सपोज आप कराची को ले लें, बड़े शहर पाकिस्तान के ले लें, वहाँ पे जाहिर है कि ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बड़े हार्ड हिट होंगे और हुए हैं, उनके लिए क्या दस्तरखानों के जरिए उनको खाना पहुँचाना, उनकी मदद करना, आई डोंट नो, ये बड़ा आइडियलिस्टिक, बड़ा अच्छा तो लगता है देखने में, डू यू थिंक इट्स प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल देखिए, चाइना ने तो घर घर पहुंचाया, लोगों के घर नॉक करते थे, दरवाजा खोलते थे, पैकेज देते थे, चले जाते थे। ये हम नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, लेकिन ये हो सकता है कि हर गली के कोने पे एक वैन आके खड़ी हो जाए, जहां खाना हो, अगर पका हुआ नहीं है तो भी चलेगा। अच्छा आप 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, आधा किलो दाल, इस तरह की एक पैकेज बना दें और गली के कोने पे वैन खड़ी है, उस गली के लोग आके वहां से ले। ये मुमकिन है, अच्छा ये हो सकता है। हाँ, लेकिन लेकिन हमारे पास तो मतलब जो इंसिक्योरिटी है, जिस टाइप की सिचुएशन है, आई डोंट नो, कोई फौज और लॉ नहीं, एनफोर्सर्स के, इनसिक्योरिटी हाँ इनसिक्योरिटी नहीं है मेरा ख्याल है, वो तो हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। अच्छा अगर आप ये नहीं करेंगे तो इनसिक्योरिटी होगी, ओके इसके घर खाने को नहीं होगा और फिर डाके डालेंगे जाके। अच्छा आप ये कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज हमारे यहाँ अच्छी हुई है, वो ये कि अब जो आप रेस्टोरेंट को फोन करते हैं, आपको घर पे ड्रॉप कर देते हैं, सही वो पूरा एक निजाम है डिलीवरी ओके का, अच्छा उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा अच्छा ये जो यहाँ पे हमारे पास इंडिया में बहुत सारी जगहों पे एक बड़ी बड़ी डिबेट है, बहुत सारे लोग इस ख्याल को सपोर्ट कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं कि जी आप पैसों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आप डायरेक्ट जो है वो कैश पेमेंट में जो है वो गरीबों को दे सकते हैं। माजी में हमारे पास आपको याद होगा कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो आपके सामने ही सारा सब कुछ हुआ, और इंडिया में भी ये बातें हो रही हैं। क्या हुकूमत जो है वो डायरेक्ट पैसे अगर लोगों को दे तो मदद हो सकती है, और वो पॉसिबल है इस सूरत हाल में? ये नॉर्मल हालात में पॉसिबल है, अच्छा इन मौजूदा हालात में पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को पैसे दे दें, हाँ लेकिन अगर दुकानें बंद है और दुकानों में अशियाएं नहीं है तो वो पैसे लेके क्या करेंगे? अच्छा तो इस वक्त जो सिचुएशन है, ओके लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, अच्छा उसमें तो ये कोई खाना पहुंचाना ही जरूरी है, और पका हुआ खाना के बजाय रॉ खाना ज्यादा बेहतर है, अच्छा क्योंकि सबके टेस्ट अलग होते हैं, कोई मिर्च ज्यादा खाते हैं, कोई कम खाते हैं। ओके आप पका हुआ देंगे, कुछ लोगों को सूट नहीं करेगा, खाएंगे नहीं, तो वो एक पैकेज बना दें कि इतना इतना आटा, इतना चावल, इतनी दाल, एक चीनी, चाय, ये आप एक पैकेट बना के पहुंचा अच्छा दें लोगों को। मतलब प्रैक्टिकली ये है कि आपको राशन राशन देना पड़ेगा, राशन देना है जी, बिल्कुल, अच्छा इस वक्त लॉकडाउन की सूरत में लॉकडाउन की सूरत में ओके जी। बाद में ये तो जो कैश ट्रांसफर का है, यही तो BISP का, इसकी जो रूह है BISP की, वो यही है, ठीक जी है ना? ये मोहतरमा ने सोचा था दुबई में बैठ के। अच्छा अगस्त 2007 में मैं दुबई गया था, अच्छा मैं जाता था अक्सर उनको ब्रीफ करने को। ओके तो जब मैंने उनको बताया कि अफराते जर और खाने पीने की चीज़ों की कीमत में जो इजाफा हुआ है, उससे जो तनख्वाहदार लोग हैं जिनको फिक्स्ड इनकम होती है, ओके उनकी हकीकी आमदनी जो है वो आधी हो गई है, क्योंकि अच्छा तो वो उन्होंने उस वक्त कहा था कि एक ऐसी स्कीम पे काम करो जो लोगों को कैश दे सके, वो बना BISP की सूरत में। ये हम बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी इस वक्त जब मैं BISP डिजाइन कर रहा था, उस वक्त दो तीन चीजें ट्राई की थी शनाख्त करने के लिए अच्छा जिनको हमें लेना चाहिए। उसमें एक ये शनाख्त हुआ था कि वो घराने जिसमें जो अडल्ट हैं, बालिग लोग हैं, उनमें अगर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसका प्राइमरी एजुकेशन से ज्यादा तालीम है, तो वो घराना यकीनन गरीब होगा। सही घर में कोई भी नहीं है,
بالغ شخصوں میں جو جن کی تعلیم پرائمری سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ نادرا کے پاس ڈیٹا ہے, یہ بہت آسانی سے یہ پوری ایک فہرست تیار ہو سکتی ہے. اچھا, اور ان کو اگر آپ کیش ٹرانسفر دینا چاہیں آپ دے دیں, دے سکتے. نادرا کا ڈیٹا ہے, ان کے پاس شناختی کارڈ ہے, اور ان کو اعلان کر دیں کہ جس کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے وہ بینک اکاؤنٹ کھول لیں. بینک اکاؤنٹ کھولتے وقت آپ کا شناختی کارڈ کا نمبر وہ لیتے ہیں, تو آپ ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی ٹرانسفر. اچھا, ایک تو یہ ہے جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ختم ہو جائے اللہ کرے, تو ظاہر ہے اس کے بعد اس ٹائپ کی انیشیٹو کی ضرورت پڑے گی, لیکن لاک ڈاؤن میں بھی لوگ بھوکھے نہ مرے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ راشن دینے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کی جو سپلائی ہے, اس سارے راشن کی جو سپلائی ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ مارکیٹ سے آنی ہے, مارکیٹ میں ایگریکلچرل پروڈیوس جو ہے وہ رورل ایریاز سے آنا ہے, یہ جو ایک پورا ایک چین ہے اس کو بھی تو برقرار رکھنا ضروری ہے. جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اربن ایز ویل ایز رورل ایریاز سارے بند ہو جاتے ہیں, تو پھر اس ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے وہ اس کا بیلنس کیسے رکھا جائے گا؟ میرا خیال ہے جو لاک ڈاؤن ہے یہ اربن فینومینا ہے, اوکے, رورل ایریاز کا فینومینا نہیں ہے. لیکن شہروں کی کہتے صاحب, شہروں کی منڈیاں تو بند ہیں نا, مثال لاڑکانہ ہے, شکارپور ہے, جو آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرس دیکھیں وہ تو افیکٹڈ ہے, ان کی منڈیاں بند ہے. حکومت کو آرگنائز کرنا پڑے گا. اوکے, دیکھیں ہم نے پچھلے 40 سال میں ریاست کو پیچھے ڈھکیلا ہے یہ کہہ کے کہ جی مارکیٹ ساری چیزیں طے کر لے گا. اوکے, اب یہ جو فلسفہ ہے مارکیٹ کا, نیولیبرلزم کا, اس کو تو ہمیں دفن کرنا پڑے گا. اچھا, اور ریاست کو واپس آنا پڑے گا. اور مغربی ملکوں میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے. اسپین میں تمام پرائیویٹ میڈیکل سینٹرز جو ہیں, ہاسپٹلز اور کلینکس نیشنلائز کر لیے ہیں, حکومت نے لے لی. صحیح, جو نجی شعبہ ہے وہ تو صرف منافع کے لیے کام کرتا ہے. ٹرو, نجی شعبہ تو اسی وقت آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ دے گا اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے, جب آپ پیسے دیں گے. لیکن یہ تو مناسب نہیں ہے, پیسے نہیں دیں گے تو مر جاؤ ہاسپٹل کی گیٹ پہ. صحیح, تو ریاست کو تو واپس آنا پڑے گا. اسی طرح جو منڈیاں ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ریاست کو آرگنائز کرنا پڑے گا کہ جو کاشت ہو رہا ہے اس میں زمین کا ایک حصہ لازمن گندم آپ لگائیں گے. صحیح, کیونکہ اتنی گندم چاہیے ملک میں. تو یہ منافع کے لیے نہیں ہو سکتا. ہم نے معیشت کو ویسے بھی تباہ کیا ہے. ہاں, صحیح بات ہے. چونکہ بڑے بڑے لوگوں کی شوگر ملز ہیں, تو ہم نے جہاں کپاس ہوتی تھی وہاں ہم نے چینی, وہ گنا لگانا شروع کیا. گنے کے لیے حکومت اپنی جیب سے پیسے دیتی ہے, اور چونکہ کپاس کی پیداوار کم ہو گئی تو اب ہم کپاس امپورٹ کرتے ہیں. صحیح بات. ہم نے تو معیشت کو کچھ ذاتی مفادات کو فائدہ پہنچانے کے لیے پہلے ہی تباہ کیا. ہاں, یہ سارا ریورس ہونا ہے. میں آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں, بلکہ اس پہ آپ سے تفصیلی بات ہونے کی ضرورت ہے, لیکن میں اس وقت جو میں فوکس کر رہا ہوں کہ پریکٹیکلی کیا ہو سکتا ہے. ریاست واپس ان کو آنا پڑے گا, ریاست کو آنا پڑے گا, اس میں کوئی شک نہیں. یورپ میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں, آپ دے رہے ہیں, دوسرے بہت سارے لے رہے ہیں کہ جی ریاست نے بہت ساری چیزوں کو ٹیک اوور کیا ہے, کیونکہ اور زیادہ جو نقصان اس سے زیادہ ہو سکتا تھا. لیکن اس وقت پریکٹیکلی ہمارے پاس جو صورتحال ہے اس میں ہم فوری طور پہ کیا کر سکتے ہیں, اور باوجود ایسے ٹائم پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے بیانات, پرائم منسٹر کے بیانات جو پڑھ رہے ہیں وہ ابھی تک دے آر ناٹ شیور اباؤٹ, ایک بڑے کنفیوز ہیں, یا ان کا ابھی تک مائنڈ یہ بنا ہوا ہے کہ نہیں یہ نہیں, یہ کرنا چاہیے, پرائم منسٹر نے یہ صحیح نہیں کیا. تو کیا وے آؤٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ جی, صوبوں کو اختیار دیے ہیں, اور سندھ نے پہل کی ہے, سندھ نے راستہ دکھایا ہے, اور کہ اس اختیارات کا کیسے
मुस्बत फायदा उठाया जा सकता है। सही। अगर 18th अमेंडमेंट ना होता, कानून तरमीम ना होती और हम सब वफाक पे इंतजार होते तो आप अंदाजा लगाएं क्या होता। वफाक तो ऊपर वो बैठे हुए कहते रहते हैं कि जी कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सही। तो लेकिन चूंकि अख्तियारात थे वजीर आला के पास, सिंध में उन्होंने इकदाम किए और बाकी सूबों ने उसको फॉलो किया, यहाँ तक के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, उन्होंने अपने वजीर आजम की बात नहीं मानी और सिंध के वजीर आला की बात मानी। लेकिन ये है कि जब तक ये देखिए, जब तक वैक्सीन नहीं आता कोरोना वायरस का, तब तक मैं समझता हूँ लॉकडाउन की सूरत बरकरार रहेगी किसी न किसी तरीके से। अच्छा। और उस दौरान जब शहर का कारोबार नहीं है, मतलब रेस्टोरेंट बंद है, तो वो रेस्टोरेंट का जो वेटर है उसकी भी रोजगार खत्म है और रेस्टोरेंट के जो मालिक है उसका भी रोजगार खत्म है। सही। तो इस वक्त तो हुकूमत ने राशन सबको पहुंचाना है, इसलिए कि वो तो रोजमर्रा जरूरत है। कपड़े पुराने पहनेंगे, जूते पुराने पहनेंगे, लेकिन जैसा भी है उसमें रहेंगे, लेकिन लोग लेकिन खाना 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 तो चाहिए, खाना तो खाए। सही है। तो और राशन पहुंचाने के लिए हुकूमत को वसाइल चाहिए, तो वो बाकी तमाम जो बजट में है वो किया है, एलोकेट किया है सारी चीजों के लिए, वो सब बंद करना पड़ेगा। और सिर्फ एक ही मकसद इस वक्त हुकूमत का होना चाहिए कि खाना इसके साथ जो है बिजली गैस कंटिन्यूड होनी चाहिए। अच्छा। अगर लोगों के घर खाना नहीं है और बिजली भी नहीं है तो गर्मियाँ आने वाली है तो जिंदगी बहुत अजाब हो जाएगी। लेकिन लेकिन अब बिजली और जो गैस के बिल, जो यूटिलिटीज़ हैं उनके बिल तो ज़ाहिर है कि आम आदमी तो क्या, अच्छे खासे मिडिल क्लास के लोग भी पे करने की उसमें नहीं होंगे, सलाहियत पे नहीं होंगे, तो क्या उसको फिलहाल 2-3-4 महीने के लिए मौखर किया जा सकता है? उसका निज़ाम कैसे होगा? सिंध गवर्नमेंट ने इसमें कुछ इकदाम लिए हैं। हाँ। इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अच्छा। और अगर कोई निजी शोभा है जैसे के इलेक्ट्रिक ने कहा हम नहीं मानते, हाँ, तो मेरा ख्याल है के इलेक्ट्रिक को नेशनलाइज करना चाहिए, हुकूमत अपनी तहवील में ले ले, ओके, एमरजेंसी पावर इस्तेमाल करते हुए। ओके। ये इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती कि उनके मुनाफे की हिफाजत के लिए लोग मुसीबत में पड़े। अच्छा। ये जो इसको, ये जो बिजली गैस पानी होते हैं इसको अंग्रेजी में पब्लिक यूटिलिटीज कहते हैं। बिल्कुल। ये इसका नाम ही ये है कि पब्लिक आवाम की सहूलत के लिए ये चीजें हैं, इसको मुनाफे का अशिया नहीं बनाया जा सकता। अच्छा। और अगर कोई निजी शोभा इस पे हुकूमत पॉलिसी पे चलने को तैयार नहीं है तो हुकूमत उस शोबे को, उस इदारे को अपनी तहवील में ले रही। ओके। अच्छा, एक और साइड है, मैं आखिरी में चाहूँगा कि आपसे बात करूँ। सिंध गवर्नमेंट के जो है वो ज़ाहिर है कि 18th अमेंडमेंट के बाद उसके बहुत सारे उसके पास इख्तियारात हैं और उसका इस्तेमाल हुआ है, तो ज़ाहिर है कि एक अप्रिसिएशन भी हमें नज़र आ रही है। पाकिस्तान में शायद पहली दफ़ा सिंध के हवाले से हमें इस्लामाबाद से, बहुत सारी जगहों से कुछ पॉजिटिव सुनने को मिला है, वो आप जानते हैं। लेकिन ये सारे काम करने के लिए पैसों का एक फ़्लो चाहिए कैसर साहब, और ज़ाहिर है कि आपके पास नेशनल डिविजिबल पूल में NFC अवार्ड के थ्रू प्रोविंसेस को किस तरह जाता है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास ओवरऑल ज़ाहिर है कि रेवेन्यू का इशू है, इकॉनमी हमारी बड़ी वीक है, सारे सेक्टर्स तबाह रहे हैं, तो प्रोविंसेस को और ख़ास तौर पर सिंध को पैसे का फ़्लो किस तरह होगा, कहाँ से जनरेट होगा, कहाँ से मैनेज करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स जो जिस तरह आपने कहे वो तो वफाकी हुकूमत को करने हैं कि वो सारे खर्चे जिनकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है वो सारे बंद करने पड़ेंगे, तो पैसे कैसे जनरेट करेंगे हम? जी बिल्कुल मुनासिब, सही आपका सवाल है। जो पैसों की जनरेशन है वो वफाक के हाथ में है, सूबों के हाथ में नहीं। लोगों के पास जो एक बड़ा टैक्स है वो GST सर्विसेज का है जी, लेकिन जब कारोबार बंद पड़े हुए हैं तो उसका रेवेन्यू नहीं आता। इसी तरह हुकूमत, वफाकी हुकूमत के पास भी GST सबसे बड़ा
रेवेन्यू सोर्स है जनरल सेल्स टैक्स, जी लेकिन अगर कारखाने बंद पड़े हैं तो जीएसटी भी नहीं आएगा। ट्रू। अगर बिजनेस नहीं है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी कम हो जाएगी। इस सूरत में जो मौजूदा अखराजात के सारे हेड्स हैं वो काटने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो मैं कई अरसे से हम कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सही, कि गैर जरूरी जो तरक्याती अखराजात है रियासत के वफाक के वो बंद होने चाहिए। इस वक्त आज है 40 से ज्यादा डिविजन है, आधे डिविजन का तो काम बंद कर दें, सही, तनख्वाह देते रहे, काम बंद कर दें, ओके, उनके जितने अखराजात बंद कर दें, ओके। इसी तरह दिफा में भी जरूरत है कि वो बजट कम करें और ये सारे पैसे जो हैं सिर्फ इस काम के लिए दें कि लोगों को घर में राशन पहुंचाया जाए। ये इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स हैं ओके, वो ट्रीटमेंट फ्री होनी चाहिए। अच्छा, लोगों के पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, सिर्फ कोरोना वायरस का इलाज नहीं, बाकी सारे को कोई सारे इलाज, सारे इलाज तो जी वो पैसे भी हुकूमत दे, निजी हॉस्पिटल की को भी पैसे दे हुकूमत कि भाई आपने पैसे नहीं लेने हैं मरीज से। तो ये अखराजात उसी वक्त हम पूरा कर सकते हैं जब रियासत के बाकी अखराजात हम काटें, और ये बहुत जरूरी है कि हम काटें। जो दिफा के बहुत सारे, दिफा के दो हिस्से होते हैं ना, एक तो जंग वाला हिस्सा होता हाँ, है हाँ। एक बहुत बड़ा अखराजात का हिस्सा है जो इसका जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, सही, वो बंद करें, सारे खाते बंद करें, वो पैसे दे, क्योंकि अवाम को इस वक्त खुराक चाहिए और हॉस्पिटल को सब्सिडाइज करना है गवर्नमेंट को। और तीसरी चीज ये है कि तालीम का पहिया चलते रहना चाहिए। अगर हमने अपने तालिबे इल्म की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसको हमने 6 महीने तालीम नहीं दी तो ये पूरी उम्र इसका वो नुकसान उठाएंगे। सही। और तालीम इस वक्त सिर्फ ऑनलाइन दी जा सकती है। ऑनलाइन तालीम सिर्फ जो पैसे वालों की स्कूल्स हैं वो दे रही है, जहाँ गरीब पढ़ते हैं, मिडिल क्लास पढ़ती है, हुकूमत की स्कूल्स हैं, उसमें कोई इंतजाम ही नहीं है ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन का जो सप्लाई साइड है, यानी ऑनलाइन लेक्चर्स देने का, वो तो हो सकता है, लेकिन हुकूमत को हर गवर्नमेंट स्कूल में एक कंप्यूटर देना होगा। अच्छा, और उसके साथ बिजली का निज़ाम, या तो वो सोलर पैनल दे, ताकि मतलब स्कूल में नहीं, बच्चों को देना होगा ना, लैपटॉप देना होगा बच्चों को, सारे, ताकि वो घर बैठे लेक्चर सुन सके और क्लास में पार्टिसिपेट। लेकिन लेकिन कैसे साहब, आप नहीं समझते कि ये बिट लॉन्ग टर्म चीज़ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, लेकिन फौरन शुरू करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बैठे हुए जो जो अमीर लोगों के स्कूल के बच्चे हैं, वो तो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही है, कराची में भी चल रही है, गरीब का बच्चा घर बैठा हुआ है, लेकिन जो मिडिल क्लास और गरीब बच्चे हैं वो घर बैठा, जो स्कूलों में जाते थे वो तो घर बैठे हैं। लेकिन हमारा टीवी इस्तेमाल हो सकता है इस काम के लिए। टीवी जो है वो पूरी एक बजाय इसके के एक ही खबरें हर घंटे में चलाते रहें या पैनल डिस्कशन करते रहें जिसमें कोई नई बात नहीं है, तो 4 घंटे रोजाना जो है पीटीवी वो बच्चों की क्लासेस है सबकी, ठीक है, और सारे जो प्राइवेट चैनल्स है इस पर लाजमी होना चाहिए कि वो क्लास लें मुख्तलिफ। तो मैं अगर मैट्रिक में हूँ तो मेरी क्लास एक चैनल पे आ रहा है, मैं अगर क्लास 6 में हूँ तो मेरा क्लास किसी और चैनल पे आ रहा है। ओके, ये सारा इस तरह इंतजाम करना होगा ताकि जिंदगी जो की बुनियादी जरूरियात जो है वो चलती रहे। थैंक यू सो मच कैसर साहब, आपने अपना टाइम दिया, अपने व्यूज शेयर किए, थैंक यू सो मच। नादरीन, कैसर साहब की गुफ्तगू आपके सामने, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक्स।